टीवीएस मोटर कंपनी ने एथेनॉल से चलने वाली पहली मोटरसाइकिल से पर्दा हटा लिया है, जो टीवीएस अपाचे आरटीआर 200 एफआईई 100 है। भारत में इस मोटरसाइकिल को 1,20,000 रुपए एक्स शोरूम कीमत पर लॉन्च किया गया है और शुरुआत में इसे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में लॉन्च किया जाएगा। टीवीएस अपाचे आरटीआर 200 एफआई एथेनॉल कॉन्सेप्ट को पहली बार 2018 ऑटो एक्सपो में शोकेस किया था। अब देश में बाइक का प्रोडक्शन मॉडल लॉन्च किया गया है। इथेनॉल का रेट है 50 रुपए पर लीटर, पेट्रोल का रेट है 85 रुपए पर लीटर। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री 50 रुपए लीटर से लेती है और जो इससे बनता है शुगर केन जूस से उसका 59 रुपीज रेट है। तो हम लोग कंपनी को कहे कि आपका पंप लगा आप 51 के जगह 52 रुपए में बेचें। तो पेट्रोल इतने पेट्रोल पंप है वैसे इथेनॉल पंप खुलेंगे और फ्लेक्स इंजन की गाड़ियाँ भी आएगी। फिर अभी ट्रैक्टर और ट्रक इंजन पर भी काम किया जा रहा है, वो भी आएगा, अभी उसका नहीं हुआ है, तो धीरे धीरे इथेनॉल यूज होगा। फ्यूल टैंक के ग्रीन डीकल हटा दे तो बाइक की बाकी डिजाइन पेट्रोल इंजन वाली अपाचे के समान है। अपाचे आरटीआर एथेनॉल में E100 200 सीसी सिंगल सिलेंडर इंजन दिया गया है जो 20.7 bhp पावर और 18.1 न्यूटन मीटर पीक टॉर्क जनरेट करता है। वही बाइक की टॉप स्पीड 129 किलोमीटर प्रति घंटा है। एथेनॉल से चलने वाली अपाचे में इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन के साथ ट्विन स्प्रे ट्विन पोर्ट सिस्टम दिया गया है जिससे बेहतर पावर डिलीवरी मिलती है और 50% तक कम बेंजीन और ब्यूटाडीन गैस छोड़ी जाती है। महिंद्रा ने आखिरकार XUV 500 के साथ एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी सिस्टम मुहैया कराया है। इसे सिर्फ टॉप एंड W11 वेरिएंट में उपलब्ध कराया गया है और अब महिंद्रा XUV 500 एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों के साथ आती है। कंपनी ने कार के साथ एंड्रॉयड ऑटो भी 2017 में दिया था। यहां तक कि महिंद्रा XUV 500 अब तक इस सेगमेंट की अकेली SUV बनी हुई थी जिसके साथ एप्पल कारप्ले नहीं दिया गया था। इसके अलावा ये महिंद्रा XUV 300 और मराजो के बाद कंपनी की लाइनअप की तीसरी कार है जिसके साथ ये फीचर दिया गया है। महिंद्रा ने कीमत में बदलाव की कोई घोषणा नहीं की है और फिलहाल W11 मॉडल की कीमत 17,60,000 रुपए से लेकर 18,52,000 रुपए तक जाती है। 2019 सुजुकी जिक्सर भारत में लॉन्च कर दी गई है जिसकी दिल्ली में एक्स शोरूम कीमत 1,212,000 रुपए है। कंपनी ने मोटरसाइकिल को पूरी तरह बदली हुई डिजाइन दी है जिससे ये पुराने मॉडल से काफी आकर्षक हो गई है। बाइक में LED हेडलैम्प की बिल्कुल नई यूनिट लगाई गई है और टैंक श्राउड्स भी नए हैं जिससे बाइक को बुच अपील मिलती है। बाइक का पिछला हिस्सा भी नया है और ये जिक्सर SF जैसा है जिसे कंपनी ने कुछ समय पहले लॉन्च किया था। जिक्सर के पुराने मॉडल में दी गई लंबी सीट के मुकाबले नई जिक्सर में स्टेप सीट्स दिए गए हैं और उसके अलावा LED टेल लैंप भी दिया गया है। बाइक में लगा व्हाइट बैकलाइट इंस्ट्रूमेंट कंसोल भी नया है जो पिछले मॉडल की ऑरेंज बैकलाइट यूनिट से बदला गया है। 2019 सुजुकी जिक्सर की कीमत पुराने मॉडल से लगभग 12,000 रुपए ज्यादा है। नई जिक्सर 155 में 155 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड इंजन है जो 13.9 bhp पावर और 14 न्यूटन मीटर पीक टॉर्क जनरेट करता है। कंपनी ने इस इंजन को 5 स्पीड गियरबॉक्स के साथ लैस किया है और मोटरसाइकिल सामान्य तौर पर सिंगल चैनल ABS के साथ आती है।